शाहपुर में सरकारी स्कूल में मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के शिक्षा मंत्री वीरभद्र सिंह की मौजूदगी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम में राजनीति के आगे शिक्षा का सरेआम मजाक बना दिया गया। राजनीतिक कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों ने मंच से स्कूल की वर्दी में पंडाल में बैठे सैकड़ों छात्र व छात्राओं से कांग्रेस जिंदाबाद वीरभद्र जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं इस मौके पर वहां बैठे प्रशासनिक अधिकारी मौन होकर इस सियासी तमाशे को देखते रहे। कहने को तो ये कार्यक्रम कांग्रेस का था, लेकिन इसमें इस्तेमाल उन स्कूली छात्राओं को किया गया जो स्कूल में पढ़ाई की आस लगाए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के सामने ही पढ़ाई की बजाय बच्चों को सियासी पाठ पढ़ाया गया। कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए जब कार्यकर्ता कम पड़ गए तो पंडाल की पहली 8 पंक्तियों में स्कूली बच्चों को वर्दी में बिठा दिया गया। ये सवाल उठता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री शिक्षण संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा ना बनने की दुहाई देते हैं, जबकि उनको खुश करने के लिए शाहपुर स्कूल को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। वहीं भाजपा ने भी इस सारे मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि राजनीतिक रैली में अगर बच्चों को बुलाया गया था तो ये एक क्राइम है और बच्चों को राजनीति में प्रयोग करना बहुत गलत परंपरा है। उसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति अब ये हो गई है कि वे स्कूलों और कॉलेजों में ही अपने फंक्शन कर रहे हैं, बाहर तो उनके फंक्शन हो ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से हालत उनकी पतली है और बच्चों का वे सहारा ले रहे हैं। तो इसलिए अगर पॉलिटिकल रैली में बच्चों को बुलाएगा ये तो बिल्कुल क्राइम है, बिल्कुल गलत है। उसके नाते और बच्चों को ऐसे राजनीति में उपयोग करना जो हम सबके लिए गलत परंपरा है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और वीरभद्र सिंह जी सीनियर लीडर है और बाकी अगर लीडर ने ऐसी गलती की है तो उनको वहीं रोकना चाहिए था कि ऐसा मत करें आप लोग। कांग्रेस की अब स्थिति भी यही हो गई कि स्कूलों कॉलेजों में फंक्शन कर रहे हैं, बाहर तो फंक्शन उनके हो नहीं रहे हैं, तो उस दृष्टि से हालत उनकी पतली, इसलिए बच्चों का सहारा ले रहे हैं। और बच्चों की वोटें नहीं होती हैं तो वोटें पड़ेंगे भी नहीं कांग्रेस को, बच्चों का तो वोट ही नहीं है जिनको वो भाषण देके जा रहे हैं, वोट तो बड़े लोगों का, बड़े लोग उनके भाषणों में आ नहीं रहे, इसलिए जो दयनीय स्थिति है, लेकिन इसकी आलोचना करता हूँ मैं, बिल्कुल गलत परंपरा है। वहीं इस सारे मुद्दे पर उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा दीपक कन्याग से बात करनी चाहिए तो आज छुट्टी होने के कारण फोन पर बात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों से सियासी नारे नहीं लगवाए जा सकते, कार्यक्रम सरकारी था या राजनीतिक इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कोई विकास ने बोला कि यहाँ आने के लिए किसने बोला है? आज अगर जो विकास हिमाचल प्रदेश में हुआ और आया साहब जिला कांगड़ा है, जिला कांगड़ा के अंदर खासकर जब जब जिला कांगड़ा की जनता ने जन्म पाया निर्णय लिया है, जब बात आई है वीरभद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी